नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बक्सर में फंसे हुए हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसमें कि अब नया अपडेट जो है कई तरह के सामने आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बीटा जाने के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसे बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। चिनूक को ठीक करने के लिए यानी कि उसे दुरुस्त करने के लिए इंजीनियर बक्सर पहुँच गए हैं। बताया जा रहा है कि कीचड़ और पानी होने के कारण हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ होने में समय लग सकता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में फंस गया। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कराने के लिए एक हेलीकॉप्टर और 3 ट्रैक्टर को बुलाया गया है। आपको बता दें कि वायुसेना के जवान इस हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए हर वह कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वह जल्दी से निकाला जा सके, इसे जितनी जल्दी हो सके टेक ऑफ कराया जा सके। हेलीकॉप्टर को निकालने में ग्रामीणों की भी मदद मिल रही है। देखिए इन तस्वीरों में कैसे जो है ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर को जो है वह निकाल रहा है। बाबू न बाबू निके कुमिली मरदे बिना हेड का नहीं ली आपको बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे ही बक्सर की सीमा पहुंचा, उसमें तकनीकी खराबी आ गई। हेलीकॉप्टर के पंखों से चिंगारी निकलनी शुरू हो गई थी। पायलट की सूझबूझ के कारण हेलीकॉप्टर को राजपुर प्रखंड के मानिकपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में आपात लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में सवार भारतीय वायुसेना के अधिकारी समेत सभी कर्मी सही सलामत बाहर निकल सके हैं। हालांकि जिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर को उतारा गया, वहां कीचड़ और जलजमाव होने के कारण हेलीकॉप्टर के पहिए जमीन में धंस गए। वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर को दुरुस्त करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बक्सर पहुंच चुकी है। ग्राउंड में कीचड़ और जल जमाव होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि चारों तरफ कीचड़ जल जमाव और खेत होने के कारण टेक ऑफ होने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। बताया तो यह भी जा रहा है कि चिनूक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए एक और हेलीकॉप्टर बुलाया गया है, साथ ही साथ वहां पर 3 और ट्रैक्टर को भी बुलाया गया है, ताकि हेलीकॉप्टर के धंसे हुए भाग को आसानी से निकाला जा सके। लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर से हेलीकॉप्टर को निकालने में कोई खास मदद नहीं मिल सकी है। ऐसे में अब देखना है कि हेलीकॉप्टर बक्सर से कब टेक ऑफ करता है। हेलीकॉप्टर उतरने के बाद से ग्रामीणों के बीच में कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग जो हम अपने मोबाइल में हेलीकॉप्टर को तस्वीरें खींच रहे हैं, साथ साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, ताकि जो उनके पास एक याद हो सके। कई ग्रामीणों ने तो यह भी कहा है कि इतना बड़ा हेलीकॉप्टर हमने पहली बार देखा है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।